आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो फोन में ऐप मैनेजमेंट सेटिंग्स कैसे करें या फिर ओप्पो फोन में ऐप मैनेजर कहाँ होता है। आइए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए आप अपने ओप्पो फोन में सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन के सेटिंग में नीचे आइए। नीचे आने पर ये ऐप्स आएगा, ऐप्स पर क्लिक करिए। ऐप्स पर क्लिक करेंगे तो अब ऊपर ये ऐप मैनेजमेंट आएगा या फिर ऐप मैनेजर आएगा। तो यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक नाम से आपके फ़ोन में आएगा। हमारे फ़ोन में ऐप मैनेजमेंट आ रहा है तो ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करिए। अब आपके ओप्पो फ़ोन में ये ऐप मैनेजमेंट ओपन हो गया है। अगर आपको ये सेटिंग में नहीं मिलेगा तो इसके लिए जब फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करेंगे तो ऊपर ये सर्च सेटिंग्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। टाइप करिए ऐप मैनेजमेंट और ये ऐप मैनेजमेंट सर्च में आ रहा है तो इस पर क्लिक करिए। ऐप मैनेजमेंट ओपन करिए। अब फ़ोन के सारे ऐप्स के लिए ऊपर राइट में तीन डॉट पर क्लिक करिए, शो सिस्टम पर क्लिक करिए। अब ये सारे ऐप आ रहे हैं। तो यहाँ पे जिस ऐप की आपको कोई सेटिंग्स करनी है यहाँ से, तो उस एप्लीकेशन पर क्लिक करिए। हमने जैसे कि फेसबुक पर क्लिक किया तो यहाँ से इसे फोर्स स्टॉप कर सकते हैं। क्लियर डेटा के लिए स्टोरेज यूसेज पर क्लिक करिए। क्लियर कैशे, क्लियर डेटा यहाँ से कर सकते हैं। परमिशंस के लिए परमिशन पर क्लिक करिए। यहाँ से परमिशन ऑन ऑफ कर सकते हैं। डेटा यूसेज के लिए डेटा यूसेज आएगा नीचे। और मोबाइल डेटा वाईफाई की परमिशन को बंद करने के लिए इन दोनों को ऑन करिए, डिसेबल मोबाइल डेटा, डिसेबल वाईफाई। तो यहाँ पे अगर परमिशन चालू करनी है मोबाइल डेटा वाईफाई की तो इन दोनों को बंद करिए। तो इस तरीके से अपने ओप्पो फ़ोन में ऐप मैनेजमेंट सेटिंग्स करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।